Whether or not you're a plant lover, one thing that attracts the most is एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स। और इस चीज पे बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन भी हुआ है और बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी आता है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स। हेलो फोक्स, welcome to my channel researches enigma. Before starting the video, I will urge you all to subscribe to my channel if you haven't done yet. I come up with videos related to research, science, gardening and traveling. If you find this video interesting and informative, please do press the like button and share the video as much as possible. You can also comment down below with your queries and suggestions and follow me on Instagram. My Instagram handle is been linked in the description box. Air purifying plants जो हैं, आज वो बहुत popular हैं और whether or not they do their work, that is reducing the pollutant and increasing the oxygen level, they are popular in home decor as well as they bring a lot of positivity. So आज हम पांच ऐसे air purifying plants के बारे में बात करेंगे which are very easy to take care of. So starting with the first plant, that is Ficus elastica, commonly known as rubber plant. Talking about how to take care of this plant, सबसे पहला sunlight. It's a house plant, so definitely it doesn't require much light, but आप इसको बिल्कुल dark में भी ना रख दें, नहीं तो क्या होगा कि इसकी जो branch है वो बहुत leggy हो जाएगी, plus जो lower side में जो leaves हैं वो भी गिरने लगेंगे, और प्लस अगर आपने इसको आफ्टरनून सन दिया या आफ्टरनून सनलाइट दिया तो इसके जो लीव्स है वो बर्न हो सकते हैं. तो गिव इट मॉर्निंग सनलाइट या फिर जो डार्पल सनलाइट होता है वो अगर आप देंगे, दिस प्लांट विल ग्रो बेटर. नाउ कमिंग ऑन टू इट्स सॉइल, इट रिक्वायर्स अ वेल ड्रेन्ड सॉइल. इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो बनाना बहुत ईजी है. आप हाफ पार्ट ऑफ गार्डन सॉइल विद 1/4 पार्ट ऑफ पर्लाइट एंड 1/4 पार्ट ऑफ कोकोपीट ले, तो इससे जो ड्रेनेज है वो भी अच्छा रहेगा, प्लस जो जितना मॉइस्चर चाहिए वो भी इस प्लांट को मिलता रहेगा. जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात आती है, इसको वंस अ मंथ आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं. मैं सीवीड सॉल्यूशन देता हूँ इसको. नाउ वन थिंग दैट इज विद दिस प्लांट इज दैट इट ईट्स इट्स सॉइल. ईट्स इट्स सॉइल का मतलब है कि आप एक टाइम के बाद देखेंगे कि इसका जो अपर सॉइल है वो रिड्यूस होता जा रहा है और उसके रूट्स एक्सपोज हो रहे हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊपर एडिशनल सॉइल डालना है जिससे कि वो रूट्स कवर अप हो जाए और रूट्स एक्सपोज ना रह जाए. नेक्स्ट प्लांट इज फाइकस लेराटा, आल्सो नोन एज पेडलीफ. कमिंग ऑन टू इट्स रिक्वायरमेंट, सिमिलर टू रबर प्लांट इट रिक्वायर्स अ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट. दूसरी बात, जो सॉइल है इट रिक्वायर्स अ वेल ड्रेन और न्यूट्रिशियस सॉइल. तो इसके लिए हम हाफ पार्ट ऑफ गार्डन सॉइल लेंगे प्लस हाफ पार्ट ऑफ सैंड या पर्लाइट लेंगे और हाफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लेंगे, जैसे कि कंपोस्ट हुआ या वर्मी कंपोस्ट हुआ. इसमें हम कोकोपीट नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसको ज्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं है. ऑल्सो जब आप वाटरिंग कर रहे हैं, मेक श्योर थोड़ा ऊपर का सॉइल थोड़ा ड्राई हो गया हो, क्योंकि ओवर वाटरिंग इज द मेन रीजन फॉर दिस प्लांट टू डाई. बहुत ज्यादा ये सस्टेप्टेबल होता है टू रूट रॉट. विथ रिस्पेक्ट टू पीएच, इट रिक्वायर्स स्लाइटली एसिडिक पीएच. तो आप इसमें कॉफी ग्राउंड डाल सकते हैं, जो कि आप 3 हफ्ता या 2 हफ्ते के बीच में कभी इसमें एज अ लिक्विड या फिर एज अ सॉलिड मिला सकते हैं. जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात है, एवरी 15 डेज में जो पेरीफेरी है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डालें, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए कि आप इसमें कंपोस्ट या सॉलिड फर्टिलाइजर डाल रहे हो. बट ये चीज़ आपको विंटर में नहीं करनी है क्योंकि इसका ग्रोथ विंटर में थोड़ा स्लो हो जाता है. जहाँ तक ह्यूमिडिटी की बात है, इट लव्स ह्यूमिडिटी. तो आप इसमें जब गर्मी पड़ता है या फिर जब ड्राई सीजन होता है तब आप इसको मिस्ट करें. इस प्लांट को रखने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, प्लस इसके लीव्स भी बड़े हैं, तो ये जो आसपास की ह्यूमिडिटी है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है. तो अगर आप किसी सिटी में रह रहे हैं जैसे मुंबई हुआ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है और बहुत ज़्यादा डैम्पनेस हो जाता है, तो आप इस प्लांट को अगर रखेंगे तो वो कंट्रोल में रहेगा. अमंग ऑल द प्लांट्स दिस इज अ बिट फजी, और फजी इसलिए क्योंकि फैक्टर्स है जैसे कि टेम्परेचर हुआ, सॉइल हुआ, वाटरिंग हुआ, लाइट हुआ, वो कंसिस्टेंटली सेम चाहिए. थोड़ा भी अगर इधर उधर होता है तो इस प्लांट में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. इट्स अ बिट इजी टू प्रोपोगेट दिस प्लांट. आप
12 से 18 इंच का एक स्टेम कट कर सकते हैं, इसको आप वाटर में या फिर सॉइल में प्रोपगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट इज दिस जीजी प्लांट, ऑल्सो नोन एज जांजिबार जिम, जिसके बारे में मैंने अपने मॉनसून प्लांट हॉल में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक ऊपर दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रिक्वायरमेंट। इट विल रिक्वायर इनडायरेक्ट लाइट, बट ब्राइट लाइट ना हो या फिर लोअर लाइट कंडीशन को भी ये अच्छे से टॉलरेट कर जाता है। हाँ, इसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है, वैसे भी इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो अगर इसको थोड़ा डार्क में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ और स्लो हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा ये मरेगा नहीं। इसमें ट्यूबर्स होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करके रखते हैं, देयरफॉर इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इतना भी कि कई बार अगर आप एक महीने तक इसको पानी नहीं देंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। इसको आप जो कैक्टस या सकलेंट मिक्स है उसमें अगर आप इसको रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप इसको खुद से बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट हाफ पार्ट ऑफ गार्डन सॉइल में हाफ पार्ट ऑफ पर्लाइट या फिर 1/4 पार्ट ऑफ पर्लाइट एंड 1/4 पार्ट ऑफ सैंड या फिर हाफ पार्ट ऑफ सैंड करके इसका पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। जहाँ तक प्रोपगेशन की बात है, इसको आप रूट डिविजन या फिर लीफ कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपगेशन में काफ़ी समय लगेगा, लाइक 5-6 महीने तो लग ही सकते हैं। ये जो प्लांट है ये भी मुझे लीफ कटिंग को प्रोपोगेट करके ही ग्रो करके मुझे दिया गया है। सो या यू कैन ऑल्सो ट्राई प्रोपगेशन ऑफ दिस प्लांट। नेक्स्ट प्लांट जो है दैट इज दिस एग्लोनेमा, जो मैं आपको वेराइटी दिखा रहा हूँ, इट्स नोन एज लिपस्टिक एग्लोनेमा बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक कलर ऑन द लीफ। सिमिलर टू अदर प्लांट्स इट रिक्वायर एन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, इट लव्स ह्यूमिडिटी। जब समर्स आए थे तब मैंने इसको एक ह्यूमिडिटी बॉक्स में भी रखा था क्योंकि इसका कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था। तो अगर आपका एग्लोनेमा अच्छी कंडीशन में नहीं है एंड इट्स नॉट डूइंग गुड, तो आप इस प्लांट को एक ह्यूमिडिटी चेम्बर या ह्यूमिडिटी बॉक्स या फिर बैगिंग करके रख सकते हैं। इट मे हेल्प इन रिवाइविंग द प्लांट, इट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। और अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो शायद रूट रॉट भी हो जाए, तो आप जब इसका टॉप सॉइल थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद इसको वाटर दें। इसको लिक्विड फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, सॉलिड फर्टिलाइजर जो कि हुआ वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट हुआ, उसको आप एक सितंबर के मंथ पे और एक फरवरी के मंथ में इसको देंगे, तो ये पूरे साल के लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक इसका प्रोपगेशन की बात है, तो अगर आप देखें तो एक प्लांट से 2-3 प्लांट्स हो गए हैं, तो मैं इसको डिविजन से भी प्रोपगेट कर सकता हूँ। प्लस अगर आप इसका स्टेम जो कि नोडल पोर्शन पे है वहाँ पर कट करें और उसको अगर पोक करेंगे सॉइल में, तो भी ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट प्लांट जो है दैट इज पीस लिली, जिसका कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मेनली क्योंकि इसको ज़्यादा केयर नहीं मिल पाया एंड सेकेंडली पिजन्स ने काफ़ी ख़राब किया है, तो ये अभी रिवाइविंग कंडीशन में है। लेकिन ऑल टुगेदर मेरा पीस लिली के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुआ है इसको ठीक से रखने में। इसको भी ब्राइट लाइट चाहिए होता है। अगर आप देख रहे हैं कि इसकी जो लीव्स हैं वो श्रिंक हो रही हैं, जैसे ऊपर की कुछ लीव्स हो रही हैं, दैट मीन्स लाइट ज़्यादा है, तो आप इसको थोड़ा और डार्कर स्पेस में रखें। नेक्स्ट जो है वो सॉइल की बात करते हैं, तो जहाँ तक पीएच की है, इट रिक्वायर्स अ स्लाइटली एसिडिक पीएच फॉर विच यू नीड टू ऐड कॉफी ग्राउंड या फिर कॉफी का जो सोल्यूशन है वो। सॉइल के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है वो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख लीजिएगा, मैं उसको ऊपर लिंक में डाल दूंगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो जब आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं उसी में आप आधा पोर्शन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का डाल दें पहले ही। सेकेंडली इट्स ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू डैम्प सॉइल, तो आप कोशिश करें कि जब सॉइल ड्राई हो गया हो ऊपर का तभी आप इसको पानी दें। जहां तक फर्टिलाइजर की बात है, आप इसको वंस इन 2 months इन केस ऑफ विंटर्स इसमें आप फर्टिलाइजर डालें, लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे तो भी चलेगा। और जब इसका ग्रोथ सीजन आता है जो कि वार्म क्लाइमेट होता है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, उस टाइम पे आप हफ्ते में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर डालें। कमिंग ऑन टू व्हाट प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड विद दिस प्लांट, पहला तो इसको प्रॉपर लाइट कंडीशन में रखना ही एक चैलेंज रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने घर के अंदर रखा तब भी प्रॉब्लम हुआ, घर के बाहर रखा तब भी प्रॉब्लम हुआ। सेकेंडली इसका कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था समर्स में, तो मैंने इसको ह्यूमिडिटी बॉक्स में रखा, तो ये काफ़ी रिवाइव किया प्लस काफ़ी खुद को मेनटेन करके रखा। इट्स नोन टू बी अ वेरी ईजी टू केयर प्लांट, बट मेरे केस में इट हैज़ बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट प्लांट टू केयर फॉर। इसके बाद कुछ और प्लांट्स हैं जो कि एयर प्योरीफाइंग की कैटेगरी में आते हैं, जैसे पोथोस हुआ, ड्रेसीना हुआ, स्नेक प्लांट हुआ,
इन सब के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, थैंक यू एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Whether or not you are plant lover, next plant jo hai, that is this key cottage.